नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, इसको CSW भी कहा जाता है। हिंदी में हम इसको महिलाओं की स्थिति पर आयोग भी कह सकते हैं। जैसे कि इसका नाम है महिलाओं की स्थिति पर आयोग या कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं की जो स्थिति है समाज में ऑल ओवर द ग्लोब या पूरी दुनिया में, उसके लिए ये आयोग बनाया गया है कि उसको वॉच करे, उसको इम्प्रूव करे और उसके लिए जो भी सजेशन ये कर सकता है वो करे। और इसके साथ साथ जेंडर इक्वालिटी यानी कि जो लैंगिक समानता है उसको भी ये प्रमोट करे और इस तरह का माहौल बनाए कि महिला हो या पुरुष दोनों को बराबर रखा जाए, उनको समान अपॉर्चुनिटी अलग अलग जो प्रोफेशन है उनमें दी जाए। जेंडर इक्वालिटी की बात जो है वो संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर या घोषणा पत्र जो है उसमें भी की गई है। तो हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशंस का ये गोल भी था कि भाई जेंडर इक्वालिटी भी हमें अटेन करनी है और उसी गोल को अचीव करने के लिए CSW की स्थापना की गई। और ये जो स्थापना की गई वो इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के द्वारा 1946 में यानी 1946 में की गई। जहाँ तक बात करें मेंबरशिप की, तो जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसकी मेंबरशिप थी 15 यानी 15, और आज इसकी जो मेंबरशिप है वो है 45 यानी 45, जो कि बीच में 15 से 21 हुई, 21 से 32 या 32 हुई और 32 से 45 हुई और 45 से बाद ये स्थिर है। और इसकी मेंबरशिप जो है उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ज्योग्राफिकली इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, यानी कि हर देश का, हर क्षेत्र का या हर कॉन्टिनेंट का जो मेंबर उसमें जाए और वो अपना जो है इक्वली रिप्रेजेंट करे एरिया को। तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो कुछ इस तरह से है। अफ्रीका जो है उसके 13 मेंबर होंगे, एशिया के 11 मेंबर होंगे, लैटिन अमेरिका और जो कैरेबियन जो कंट्री हैं उनके 9 होंगे, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट्स के 8 होंगे, ईस्टर्न यूरोप के होंगे 4। इस तरह से ये कुल मिलाकर 45 या 45 मेंबर होते हैं। हेडक्वार्टर इस कमीशन का है न्यूयॉर्क में। और जहाँ तक बात करें कार्यकाल या टेन्योर की जो कि मेंबर्स का है तो वो 4 साल का होगा और इसकी पहली मीटिंग जो थी वो 1947 को न्यूयॉर्क में ही कंडक्ट की गई थी। इसका जो सेशन है वो रेगुलरली हर साल कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये कमीशन एक्चुअली करता क्या है। तो इसके बारे में कहा जाता है ये मुख्य तौर पर एक ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, यानी कि एक ऐसी संस्था जो कि सरकारों के बीच काम करती है, मध्यस्थता करती है और ये ग्लोबल स्तर पर है यानी कि वैश्विक स्तर पर है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये जेंडर इक्वालिटी पर काम करती है और साथ ही साथ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन यानी महिला सशक्तिकरण, और ये जो है वो आपको अपने समाज में देखने को भी मिलेगा। महिलाओं की जो स्थिति आज से 50 साल पहले थी वो आज नहीं है। महिला जो है वो हर फील्ड में जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, चाहे वो टीचिंग का हो, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो डिफेंस फोर्सेस का हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे और कोई भी फील्ड हो, चाहे राजनीति का हो, उसमें वो इक्वली पार्टिसिपेट कर रही हैं। अगर आज से 50, 60, 70 साल पहले की बात करें तो ऐसा हमारे देश में नहीं था और बाकी देशों में, चाहे वो पश्चिम के ही क्यों ना हो, वहाँ भी ऐसा नहीं था। तो एक बात तो माननी पड़ेगी कि इसने जो महिला उत्थान है उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हाँ, इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल इशू भी हैं पर ओवरऑल देखा जाए तो एक डेवलपमेंट के लिए स्टेप तो उठाया गया है। इसके साथ साथ ही ये महिलाओं के अधिकारों को भी प्रमोट करती है और ये भी देखती है संस्था कि भाई जो महिलाओं की ओवरऑल जो कंडीशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे देशों में या पूरी दुनिया में, क्या उसमें वास्तव में कोई बदलाव आया है कि नहीं, आया है तो किस स्तर पे आया है, यानी कि ग्रास रूट लेवल पर जाकर रियलिटी को चेक करना, वो जो चीज़ है वो भी ये कमीशन करता है। और साथ ही साथ जो महिलाओं की इक्वालिटी के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको ग्लोबली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है और वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुआ है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा कि भाई आज से 50, 60, 70 साल ऐसा नहीं होता था पहले, और जैसे ही ये अवेकनिंग जो है महिलाओं के फील्ड में आई वेस्ट में, तो उसने पूरी दुनिया में उसको फैलाना यूनाइटेड नेशन के जरिए शुरू कर दिया। और आप देखेंगे कि आज हर फील्ड में, हर देश में लगभग लगभग ये जो पार्टिसिपेशन है वुमेन का वो होता है। कुछ एक्सेप्शन इसकी हैं, वो एग्जिस्ट करती हैं, पर धीरे धीरे उनमें भी चीज़ें जो है उतनी रिजिड या उतनी सख्त ना रह के वो जो है बदलाव जो है वो उसको देख रहे हैं। ये आयोग जो है वो रिकमेंडेशन भी कर सकता है, रिपोर्ट्स भी बना सकता है, और ये जो रिपोर्ट है वो इकोनॉमिक सोशल काउंसिल को सबमिट कर सकता है। इस तरह की रिपोर्ट जो है वो पॉलिटिकल फील्ड, इकोनॉमिक फील्ड, सोशल फील्ड, एजुकेशनल फील्ड में हो सकती हैं महिलाओं को लेकर। और साथ ही साथ ये इकोनॉमिक सोशल काउंसिल की जो अटेंशन है वो महिलाओं के मुद्दे पर ड्रा कर सकता है, यानी कि उनका ध्यान जो है वो आकर्षित कर सकता है कोई महिलाओं से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही हो तो उसमें। और साथ ही साथ अगर कोई प्रपोजल है उसको ये ड्राफ्ट कर सकता है, उसको डेवलप कर सकता है।
इस आयोग का ये भी मानना है कि भाई महिलाएं जो हैं तब तक तरक्की नहीं कर सकती हैं जब तक कि वो डिसीज़न मेकिंग का जो एक फील्ड है उसमें वो इक्वली पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, तब तक जो हैं वो तरक्की नहीं कर सकती हैं या उनका एम्पावरमेंट नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ जो कमीशन है उसका रोल जो कन्वेंशन ऑन द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द वुमेन थी उसमें भी रहा है, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये पहला इंटरनेशनल लीगल डॉक्यूमेंट था जिसने कि इंटरनेशनली वुमेन्स के पॉलिटिकल राइट्स को रिकॉग्नाइज किया था। और ऐसा इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जब यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया था 1945 में उस समय 51 में से सिर्फ 25 कंट्री थी जिनमें कि जो औरत जो थी वो मैन यानी मर्द के समान वोटिंग का अधिकार रखती थी, रेस्ट ऑफ द 26 में ये अधिकार नहीं था। सिंपली कहा जाए यूनाइटेड नेशन देशों की स्थापना करने वाले 51 देशों में से जो कि स्टार्टिंग में थे उनमें से 26 ऐसे थे जहां पर कि महिलाओं को मर्द के बराबर जो एक मतदान का अधिकार नहीं था। तो इसीलिए जो पॉलिटिकल अवेयरनेस थी या जो पॉलिटिकल राइट्स थे वुमेन के उनको रिकॉग्नाइज करना जरूरी था। और जब हम पॉलिटिकल राइट की बात करते हैं तो उसमें वोट करने से लेकर पॉलिटिकल जो एक प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व होना और एज ए कैंडिडेट बन के चुने जाना MP MLA बनना या कोई और पद ग्रहण करना ये सारी जो प्रोसेस है उसमें आ जाती है। इसके साथ साथ ही कमीशन ने ड्राफ्ट की थी डिक्लेरेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, उसको भी ड्राफ्ट किया था जिसको कि जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था। पर ये डिक्लेरेशन जो थी वो बाइंडिंग नहीं थी बल्कि जो गवर्नमेंट थी उनकी विल पर डिपेंड करती थी, वो चाहें तो उसको अडॉप्ट करें चाहें तो उसको ना अडॉप्ट करें, जिसकी वजह से कि जो सुधार एक्सपेक्ट किए थे उनमें कोई ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला। इसके बाद नई जो एक कन्वेंशन आई जिसको कि कन्वेंशन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन जो थी जिसको कि अडॉप्ट किया गया था 1979 में, और उसके अंदर जो मैकेनिज्म जो था वो इस तरीके से बनाया गया था कि भाई ये बाइंडिंग हो, इसके रिजल्ट मिलें और रिजल्ट जो हैं हमें ग्राउंड में देखने को भी मिले, सिर्फ कागज़ों में ना रह जाएं। इसके साथ साथ इंटरनेशनल वुमेन ईयर जो है वो भी सेलिब्रेट किया गया 1975 में, और 1976 से 1985 के दौरान डिकेड ऑफ वुमेन जो था वो भी सेलिब्रेट किया गया। और इसके साथ साथ ही डिक्लेरेशन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन, ये डिक्लेरेशन जो थी वो अडॉप्ट की गई थी जनरल असेंबली के द्वारा 20 दिसंबर 1993 को, तो इसका भी प्रभाव रहा। और साथ ही कमीशन जो था उसने नेशनैलिटी ऑफ द मैरिड वुमेन की जो कन्वेंशन थी उसको भी प्रिपेयर किया, कन्वेंशन ऑन द कंसेंट ऑफ मैरिज कि मैरिज के लिए सहमति देना उसके लिए भी कन्वेंशन, और इसी के अंदर मिनिमम एज का क्राइटेरिया मैरिज के लिए और जो रजिस्ट्रेशन का प्रावधान था वो भी इसी के अंदर इंक्लूड है। और आपको देखने को मिलेगा कि ये सब जो चीज़ें हैं आज हमारे सिस्टम के अंदर यानी कि भारत के सिस्टम के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगी, जो कि आज से 150 साल पहले नहीं होती थी, जहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, कोई मिनिमम एज नहीं थी, जिसकी जैसे मर्जी होती थी वैसे शादी करवा दी जाती थी, ठीक है ना, तो चाइल्ड मैरिजेस भी होती थी। तो यानी कि इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो थी वो इन कन्वेंशन ने या हम कह सकते हैं कि कमीशन के आने के बाद वो यूनाइटेड नेशन के थ्रू वो एक्टिव हुई और उनको सभी देशों के अंदर जब पूरे जो ग्लोब है उसमें फैलाया गया और उसको फॉलो करने के लिए कहा गया। नेक्स्ट है इसमें वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन द वुमेन, यानी कि औरतों को लेकर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं, जो कि सबसे पहले हुई थी मेक्सिको में 1975 में, उसके बाद कॉपनहेगन 1980, नैरोबी 1985 और बीजिंग 1995। और बीजिंग वाली जो कॉन्फ्रेंस थी वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और प्रोग्रेसिव मानी जाती थी महिलाओं के अधिकारों को लेकर, और उसके जो रिजल्ट थे वो आगे देखने को भी मिले। और इसी कॉन्फ्रेंस को 2000 में +5 का नाम देकर दोबारा से रिव्यू किया गया और उसमें बदलाव लाए गए और उसमें बहुत सी चेंजेस की गई। नेक्स्ट इसको रिव्यू किया गया 2010 में जिसको कि बीजिंग +15 के नाम से जाना जाता है, और इसमें एक और बॉडी जो इमर्ज हुई 2010 में ही जिसको कि UN वुमेन के नाम से जाना जाता था, और इसके बाद जो इसके रिव्यू हुआ वो 2020 में +25 के नाम से हुआ। अगेन जो इसकी कार्यशैली थी उसको रिव्यू किया गया, उसमें बहुत से सुधार और बहुत सी नई चीज़ें जो थी वो इंक्लूड की गई। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि महिलाओं की जो स्थिति आज है उसमें यूनाइटेड नेशन का और कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन जो है उसका बहुत बड़ा रोल है, और उसने वो अपना रोल निभाया है, और उसके जो रिज़ल्ट हैं उसका जो परिणाम है वो आपको आज हमारे समाज में देखने को मिलता है, हमारे समाज में नहीं ग्लोबली देखने को मिलता है, और उसका जो इम्पैक्ट है वो अपकमिंग जनरेशन या आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उन पर भी देखने को मिलेगा। धन्यवाद।